अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी मेरी इस कहानी का आगाज़ होता है मेरे इस व्लॉग से, जिसको आप सब ने इस कदर ज़्यादा प्यार दिया कि मुझे इस व्लॉग से अपना फ़र्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ एक आर्टिकल रेडी कराने का, और इसकी एक्साइटमेंट मेरे से ज़्यादा मेरी मामा को थी। तो जी मुझे रिसीव हुई ये वाली पिक्चर मेरे कस्टमर से, जिसको चाहिए था ये वाला सूट, लेकिन मुझे ये पिक्चर देख के पहले तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये किस तरह का सूट है और कैसा उनको चाहिए। आई थिंक मेरे कस्टमर को भी बस ये एक रील नज़र आई थी जहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ये आर्टिकल चाहिए। और अब जी मेरे लिए सबसे मेजर टास्क ये था कि ये सूट को फाइंड करना कि ये दिखता कैसे है, और मुझे ये वाली आयज़ा खान का शूट नज़र आया जिसमें इसने सेम वही सूट वेयर किया था जो कि मेरे कस्टमर की डिमांड थी। और यहाँ से मुझे बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि उनको कैसा आउटफिट चाहिए और किस तरह की एम्बेलिशमेंट चाहिए और कौन सा मटीरियल चाहिए, क्योंकि स्टफ़ का अंदाज़ा लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इन सारे पिक्चर्स के बाद मैंने ये पिक्चर्स अपने कस्टमर को सेंड किया और कंफर्म किया कि क्या उनको यही आर्टिकल चाहिए। अच्छा जी, कस्टमर से कंफर्म करने के बाद अब मुझे इसका सिर्फ फैब्रिक कंफर्म करना था, जो कि मुझे रियल जिस ब्रांड का ये आर्टिकल था उसके डिस्क्रिप्शन से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कौन कौन सा फैब्रिक है। दुपट्टे पे इन लोगों ने ऑर्गेन्जा यूज़ किया हुआ था और इसके अलावा शर्ट पे रॉ सिल्क का फैब्रिक इन लोगों ने यूज़ किया हुआ था। ग्रीन आर्टिकल की डिस्कशन कंफर्म होने के बाद मेरे कस्टमर ने मुझे ये वाली पिक्चर सेंड की, और उनको ये वाला भी आर्टिकल चाहिए था, बट इसमें उन्होंने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कराई थी। जो इसकी वेस्ट पे मोटिव बने हैं वो उनको नहीं चाहिए थे, और जो इसकी नेक लाइन है गले पे जो काम था वो उनको नहीं चाहिए था। इसके अलावा उनका इरादा कलर्स चेंज करवाने का भी था। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगी कि मैं किस कलर को फाइनलाइज़ करूं, एंड देन लास्ट पे उन्होंने ये फाइनल किया कि वो ग्रीन जो आर्टिकल है उसको ग्रीन में ही रहने देंगी, और ये जो आर्टिकल है शॉकिंग कलर का इसको हम करवाने वाले हैं ऑफ वाइट कलर में। और जी अब टाइम आ चुका था ये सारा ऑर्डर अपनी मामा के साथ डिस्कस करने का, क्योंकि मामा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस बार जो ऑर्डर है वो सेम उसी आर्टिकल का नहीं आया कि जो उन्होंने पहले क्रिएट किया है, इस बार उनको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल मामा के साथ शेयर करने के बाद सबसे पहले मामा ने कन्फर्म किया कि इसके दुपट्टे पर जो कढ़ाई हुई है वो कढ़ाई हमने ख़ुद करवानी है, या फिर जो ऑलरेडी मार्केट में इस तरह के दुपट्टे अवेलेबल हैं जिन पर बहुत प्यारी वाइट कलर के दुपट्टे हैं और बहुत प्यारी कढ़ाई है, इसको ईज़िली मामा कहा कि हम लोग डाई करवा के इस ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हैं और उससे जो इसकी कॉस्ट है वो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी। लेकिन ये दुपट्टे से मेरा कस्टमर जो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो फाइनलाइज हमने यही किया कि हम एज इट इज़ पिक्चर की तरह क्रिएट करेंगे। सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद अब मेरी मामा मैदान में उतर चुकी थी, और अब हमें चाहिए था सबसे पहले दोनों आउटफिट के लिए फैब्रिक, और फैब्रिक लेने के लिए सबसे पहले मामा पहुंची ये मैचिंग सेंटर, वसीम मैचिंग सेंटर इसका नाम है, लिबर्टी में इनकी शॉप है। और यहाँ से हमेशा मैं अपने भी जो भी मुझे सूट सिलवाने होते हैं मैं यहीं से फैब्रिक लेती हूँ, काफ़ी अच्छी प्राइस में ये लोग दे देते हैं। और यहाँ से हमने सबसे पहले अपना फैब्रिक फाइनलाइज़ किया। इस शॉप पे बहुत सारे इस तरह के भी फैब्रिक आप लोगों को मिल जाएंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वाइट पे सिल्वर काम एंड गोल्डन काम, और आप उसको किसी भी कलर में डाई करवा सकते हो और किसी भी तरह का आप जो है ना अपना आर्टिकल बनवा सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स मामा ने शेयर की थी। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे मेन चीज़ ये थी कि ये सूट क्रिएट करने के साथ साथ मैंने अपनी मामा को टास्क ये दिया था कि उनको हर चीज़ की वीडियो बनानी है ताकि मैं उसका व्लॉग बना सकूँ, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी कि वो कैसे हर चीज़ की वीडियो बना रही हैं। एनीवेज़ यहाँ पे हमने फैब्रिक मामा ने फाइनल कर दिया था, ये सबसे अच्छी रॉ सिल्क का फैब्रिक है और हमें दोनों सूट के लिए यही फैब्रिक चाहिए था। और अब बारी आ गई थी इन फैब्रिक को डाई करवाने के लिए, और फैब्रिक डाई कराना बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम होता है, क्योंकि आप पिक्चर से कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि असल जो आपका कलर है वो किस तरह से है। एनीवेज़ मोबाइल से पिक्चर दिखाने के बाद जैसा बेस्ट सूट करता था वैसे मामा ने डाई करवाया। सबसे पहले ये ग्रीन कलर का फैब्रिक जो कि काफ़ी हद तक बिल्कुल सिमिलर लग रहा था जैसा कि पिक्चर में आप लोगों ने देखा है आयज़ा खान ने वेयर किया हुआ है। यहाँ पे ग्रीन जो हमारा फैब्रिक था उसका दुपट्टा भी डाई हो चुका था और उसका जो पूरा सूट है वो भी डाई हो चुका था, क्योंकि हमने फाइनलाइज़ यही किया था कि हम दुपट्टा प्लेन लेके और उसके ऊपर जो है धागे के काम की कढ़ाई कराएंगे और फिर हम वो दुपट्टा रेडी करवाएंगे। इसके अलावा डाई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा काम होता है पूरे प्रोसेस में जो आपको सर पे बैठ के करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप डायर को फैब्रिक दे के चले जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से डाई कर देंगे और ज़रूर हमेशा कोई ना कोई फ़र्क तो ज़रूर आ ही जाता है। तो ये कस्टमर का ऑर्डर था, इसीलिए मामा ने सर पे बैठ के अपनी तसल्ली जब तक नहीं की डायर से डाई करवाती रहीं, और फाइनली वो कलर हमें मिल ही गया जो हमें चाहिए था। डाई होने के बाद ऊपर तारों पे सारे दुपट्टे और सारे सूट सूख रहे हैं, क्योंकि जब तक फैब्रिक ड्राई नहीं होगा तब तक वो टेलर को नहीं दिया जा सकता और टेलर उसकी स्टिचिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। ये हमारे दूसरे सूट का जो फैब्रिक है वो भी फाइनल हो गया था। ये ऑफ वाइट कलर में था, ये भी डाई हो चुका था। हमने जो फैब्रिक लिया था वो वाइट में था, लेकिन कस्टमर को ऑफ वाइट कराना था तो हमें उस फैब्रिक को भी अगेन डाई करवाना पड़ा और ये इसका फाइनल कलर जो है ना वो निकला। रियल में ये कलर बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि पिक्चर में था, लेकिन आपको पता है मोबाइल में सेम वो कलर कभी भी नहीं आता। एनीवेज़ हमें फैब्रिक फाइन मिल चुके थे ड्राई होने के बाद, और अब बारी थी सबसे पहले इन पे काम करवाने की और टेलर से कंसर्न करने की कि वो किस तरह से कटिंग करके देंगे और फिर इस कपड़े पे काम होगा, क्योंकि जो हम आर्टिकल बनवाने वाले हैं उसका कोई रेडीमेड सीन नहीं है, उस पर हमें खुद ही काम करवाना पड़ेगा। और दुपट्टे पे धागे का काम होगा और जो शर्ट के बाजू हैं उस पर सितारे का काम होगा और एम्बेलिशमेंट जो भी होगी। तो जी अब हमने सबसे पहले जाना है अपने टेलर के पास। बेसिकली जो मामा जिस टेलर से काम करवा रही थी उन्हीं के पास ही ये सारा अड्डे का काम भी था। किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि लिबर्टी मार्केट में कौन सा टेलर है जिसके पास आप जाते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है क्योंकि अभी तक मैं पाकिस्तान उस टेलर के पास नहीं गई। अगर आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो ये है वो टेलर और इनके पास ये सारा अड्डे का काम भी है और ये स्टिचिंग भी कर देते हैं। इसके अलावा जी टेलर के पास पहुंचने के बाद अब उनको पूरी बात समझाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि जो आप सोच रहे हो या जो आपका कस्टमर सोच रहा है आपने वो सारी चीज़ टेलर को भी समझानी है ताकि एज इट इज़ वही वाला आर्टिकल जो है वो रेडी हो सके। अच्छा जी, सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद अब बाज़ार तो आए थे तो कुछ और चीज़ें भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा जो मार्केट में चीज़ें थी वो मेहंदी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें आई हुई थी। कुछ लहंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत ही प्यारे मल्टी कलर्स में लहंगे थे, हैवी वर्क के साथ जो ब्राइडल वेयर के थे। लेकिन अगर आपके भाई की शादी है या आपकी बहुत सिस्टर की शादी है तो आप लोग भी वेयर कर सकते हो। इसके अलावा कलर स्कीम को लेके आप इसको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। अगर आपका कोई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है लेकिन आप अपने इवेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। आप किसी भी कंट्री में बैठे हो, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी आर्टिकल अगर पसंद आता है तो आप मेरे थ्रू ऑर्डर भी करवा सकते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे बहुत सारे लहंगे थे, बहुत सारी कलेक्शन थी मेहंदी की डिज़ाइंस को लेके और ये सारे ही एक से एक भरकर थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे ये एक अंकल थे जो कि कस्टमाइज पिक्चर को देख के एज़ इट इज़ वही क्रिएट करके दे रहे थे। यहाँ पे मुझे इनकी प्राइसेस का अभी मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाएगा इन चीज़ों को लेके। जस्ट ये एक झलक है कि मेहंदी की भी बहुत सारी कलेक्शन जो है मार्केट में अवेलेबल थी, क्योंकि इवेंट अगर आपका आने वाला हो तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है वीडियोज़ को देख के कि आपने कौन सी कलर्स जो हैं अपने इवेंट के लिए फ़ाइनल करने हैं। इसके अलावा ये ग्रीन लहंगा जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट मुझे लगा सारी लहंगों में से, और एक ये ऑरेंज मैक्सी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसके अलावा जी मार्केट में आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है पेंटेड दुपट्टे पेंट करवा के एंड देन उसके ऊपर जो काम करवाते हैं वो भी अवेलेबल थे मार्केट में। अगर आपको इस तरह का कोई आर्टिकल बनवाना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स देख के ना मेरा तो फुल इरादा है कि मैं ज़रूर ऐसा एक आउटफिट क्रिएट करवाऊंगी अपनी मामा से। बट आजकल जो गर्मी पड़ रही है ना, सारी चीज़ें एक तरफ और पाकिस्तान की गर्मी एक तरफ, इस कदर ज़्यादा गर्मी में बाज़ार जाना भी बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है, पर ये हिम्मत मामा ने आखिर दिखा दी। और ये सारा जो ड्रेस है वो क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चक्कर भी लगाने पड़े बाज़ार, क्योंकि जी कस्टमर का ऑर्डर था और बिल्कुल ऐसे नहीं रह सकते थे कि एक बार ऑर्डर दिया एंड देन फाइनल जाके पिक करना। बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंफर्म करने के लिए जाना पड़ा। ये जो स्किन कलर का आउटफिट है इसके बंचेस रेडी हो गए थे एक दफ़ा, तब टेलर ने कॉल करके बुलाया था कि आप चेक कर लें कि आपको काम जो है वो सेटिस्फाइंग लग रहा है कि नहीं। और ये सारे जो क्लिप्स हैं ये मैं अपने कस्टमर के साथ भी शेयर करती रही ताकि वो भी सेटिस्फाई रहे और अगर उनको कुछ ऐड ऑन कराना है तो वो भी मुझे साथ साथ ही बताते रहें। बस जी इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका था और अब बारी थी फ़ाइनल ड्रेस को पिक करने की और देन फिर कस्टमर को शिप कराने की। और जी ये जो आर्टिकल्स थे दोनों ये हमने 2 वीक्स में रेडी करवा के दिए, क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड थी कि उनको ये आउटफिट्स जल्दी चाहिए। तो चलें जी, अब आप आउटफिट्स देख लें। ये बेसिकली बिफ़ोर की वीडियो है जब ये फुली रेडी नहीं हुआ था। और सबसे पहले मैं माजरत कर दूं क्योंकि बेसमेंट में टेलर की शॉप है और वहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन काफ़ी हद तक आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा दुपट्टा एज़ इट इज़ वही है जो पिक्चर में था। आप काम की सफाई भी चेक कर सकते हैं कि किस कदर नीटनेस है काम में, और ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी एज़ इट इज़ वही है। और जिस तरह कस्टमर की डिमांड थी वो बिल्कुल वैसे ही हमने उसका दुपट्टा रेडी करवाया। तो जी फाइनली ये है हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। और कलर्स थोड़े लाइटिंग की वजह से डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन जब हमारे कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हुआ तो वो कलर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुई थी कि जो कलर्स उन्होंने बताए थे वही उनको रिसीव हुए हैं। दूसरी तरफ अगर दूसरे आर्टिकल की बात कर लें, ये शॉकिंग वाला, तो ये इन्होंने इस ऑफ वाइट कलर में बनवाया था। और ये भी आप देख सकते हैं, इस पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया वेस्ट पे उन्होंने बंचेस नहीं बनवाए थे और बाकी एज़ इट इज़ दामन पे बिल्कुल वैसे ही मोटिव है। तो जी अब बारी थी फाइनल स्टेप की, और वो ये था कि इन आर्टिकल्स को कस्टमर तक पहुंचाना और कस्टमर के रिव्यूज़ लेना कि ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं कस्टमर को कैसे लगे हैं इन पर्सनल। तो जी बस जी अब आर्टिकल्स हो रहे हैं पैक, और यहाँ पे कुछ चेंजेस ये आई थी कि पहले हमें ये आर्टिकल शिप करवाना था कराची में, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कस्टमर की डिमांड थी कि वो लाहौर में ही किसी जगह जो है अगर आर्टिकल्स दोनों पहुँचा सकते हैं तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक फैमिली जो कि आउट ऑफ कंट्री जा रही थी उन्होंने उनके ये आर्टिकल्स लेके जाने थे। तो यहाँ पे इसी वजह से हमें ये आर्टिकल जल्दी भी रेडी करवाने पड़े। तो यहाँ पे ये बात थी कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया था, लाइक आखिरी दिन उनकी फ़्लाइट थी जिन्होंने ये आर्टिकल्स लेके जाने थे, और उसी दिन ये टेलर की फ़ाइनल कॉल आई थी कि आपके आर्टिकल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो फिर किसी भी सर्विस के थ्रू शिप कराना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था कि आपके आर्टिकल्स टाइम पे पहुंचेंगे भी कि नहीं। तो बस जी फाइनल यही ऑप्शन बची थी कि इन आर्टिकल्स को ख़ुद पहुंचाया जाए, क्योंकि जिन्होंने लेके जाने थे उनकी कुछ ही घंटे में फ़्लाइट थी। तो फिर मामा भाई के साथ ख़ुद उन्होंने ये आर्टिकल्स उनके हैंड ओवर कर कर आई, बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था और मेरी मामा को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी की थी कि पहला ऑर्डर है, मुझे ख़ुद पहुँचाना पड़ा तो मैं ख़ुद भी पहुँचा दूँगी। एनीवेज़ हमारा जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो चुका था, और अब मुझे सिर्फ इंतज़ार ये था कि वो कब कस्टमर तक डिलीवर होगा और कस्टमर मुझे उसको देख के रिव्यूज़ देंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे यही मैटर करता था। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसके अलावा अगर मेरी वीडियो में कोई भी आर्टिकल आपको पसंद आया है तो आप इजीली उसका भी ऑर्डर दे सकते हैं। और बस जी बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद मुझे कस्टमर का रिव्यू आ चुका है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट वीडियो बना के सेंड करने की थी, क्योंकि जो फ़ाइनल आर्टिकल की वीडियो थी वो बेसमेंट में बनी हुई थी और वो ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन किसी इशू की वजह से मेरे तक वीडियो तो नहीं आई, लेकिन जो कस्टमर के रिव्यूज़ थे वो आप देख सकते हैं। ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।